हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमन। आई होप आप सब लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घर पर रह रहे होंगे। हमारे देश को कोरोना से जिताने के लिए हम सबको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने जो जो हम लोग को आदेश दिए उन सबको हमको पूरी तरीके से फॉलो करना हुआ है। मैं अपने चैनल में हर टाइप की वीडियो डालता रहता हूँ। सो आज जो मैं जान रहा हूँ वो अपने एक्वेरियम के फिश फूड के बारे में है। मैं एक पेट लवर भी हूँ। सो मेरे पास हमेशा कोई ना कोई पेट जरूर रहता है। मैंने डॉग भी पाले हुए हैं, गिनी पिग भी पाला हुआ है, रैबिट भी पाला है और प्रेजेंट टाइम मैं फिश पाला हूँ। मैं ये फिशेज मेरे पास 3 साल से है। सो मैं ये जो फिश फूड के बारे में आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए ले चलता हूँ अपने एक्वेरियम के फिश फूड के बारे में। मेरे पास है 4 टाइप के फिश फूड। सबसे पहले ऑप्टिमम क्यूक्रेड, एटलस का फास्ट रेड, टेट्राविस्ट कंप्लीट और ये टायो का हाई रेड। तो सबसे पहले बात करूंगा टेट्राविस्ट कंप्लीट की। टेट्राविस्ट कंप्लीट सबसे महंगा फिश फूड जो कि मुझे को 30 ग्राम का, ये देखिए 30 ग्राम का पाउच जो कि मुझको मिला था वो 180 रुपीस का मिला था। और इसमें महंगा इस वजह से है क्योंकि इसमें प्रोटीन की अमाउंट जो है वो 47.5%, सबसे ज्यादा प्रोटीन की अमाउंट इसी में ही है। इस बात सही है कि ये सबसे महंगा भी है, इसमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसको जब आप यूज करेंगे तो आपका एक्वेरियम का पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। क्योंकि इसके आप ये जो पैलेट के कलर देख रहे हैं ना, रेड कलर का टाइप का कुछ आपको डार्क रेड दिख रहा होगा, इसी तरह का आपका एक्वेरियम हो जाता है। सो पहले मैं इसको यूज करता था, अब ये मैं नहीं यूज करता हूँ क्योंकि इससे मेरा एक्वेरियम बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है। अब करेंगे दूसरे फूड की, है एटलस का फास्ट रेड। ये फूड मैं तब यूज़ करता था जब मेरे पास गोल्ड फिश थी। इसमें अगर आप प्रोटीन की बात करेंगे तो अप्रॉक्स आपको मिलेगा 38%। इसका ये 100 ग्राम का पैक जो मुझको मिला था वो 100 रुपीज़ का मिला था। ये बोलते हैं सारी फिश के लिए, पर मैं ज़्यादातर इसको गोल्ड फिश वगैरह को दिया देता था। रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, सो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ टायो का हाई रेड और ऑप्टिमम का क्विक रेड। टायो का हाई रेड की बात करें तो इसका 100 ग्राम का पैक जो मुझको मिला है 150 रुपीज़ का मिला है। अगर इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन जो मिल्क को मिलता है 40% मिलता है। सो मेन कंपनी फोकस करती है फ्लावर हॉर्न को, लेकिन फिर भी मैं इसको सारी फिशेस को अपनी डीट फीड करता हूँ। मेरे पास पाकू भी है, ऑस्कर भी है, फ्लावर हॉर्न भी है और वो सब आराम से करती हैं। अगर बात करें इसके पैलेट्स की तो इसके पैलेट्स के साथ ये है कि इसके पैलेट्स बहुत छोटे हैं, आप देखिए। सो मैं इसको प्रेफर करूंगा कि जब आपकी फिश छोटी हो तब इसको ज़्यादा फीड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको अल्टरनेट डेज पे अपने फिशेस को फीड करता रहता हूँ। सबसे अच्छा फिश फूड जो मेरे को अभी लगता है वो है ऑप्टिमम का क्विक रेड। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसका ये 100 ग्राम का पैक जो मुझको मिला है वो 100 रुपीज़ का मिला। इसमें जो आपको क्रूड प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा 35%, लेकिन इस फिश फूड को आप यूज़ करेंगे तो आपके ना ही एक्वेरियम का पानी जल्दी गंदा होगा, आपके फिश की अच्छी ग्रोथ भी होगी। और अगर इसके पैलेट्स की आप बात करें तो इसके पैलेट्स आप देखिए इसके पैलेट्स का साइज अगर आप देखेंगे ये देखिए, और एक हाथ पे मैं इसके पैलेट कर देता हूँ टायो रेड के। आप दोनों में देखिए साइज में कितना डिफरेंस है, आप खुद देख रहे हैं। तो मैं इसको हमेशा से इसी को ही फीड करता आ रहा हूँ ऑप्टिमम क्विक रेड को, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और मेरी फिशेस बड़ी हैं तो उनको ये ऑप्टिमम का क्विक रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। टायो का हाई रेड उतना उनको पसंद नहीं है, फिर भी मैं अल्टरनेट डेज पे फीड करता रहता। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपको ये ऑप्टिमम का क्विक रेड ही है। इसका प्राइस भी कम है और इसके आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने कई लोगों से इसके बारे में सुना है और सबने इसको बहुत ही अच्छा बोला है, तो मैं भी इसको यूज़ करता हूँ और आगे भी इसको यूज़ करता रहूँगा।